उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ देश के संतों ने, सम्मानित लोगों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, उस पर पुनः स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस प्रकार से टिप्पणी आ रहा है कि उनको शैतान, उनको आतंकी, उनको जल्लाद जो कहा जा रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अत्यंत निंदनीय है। हमें लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति को इस तरह की बयान नहीं दिया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ नेता होते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरीके से संतों के प्रति एक तो उकसावे की राजनीति कर रहे हैं, आप धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करके उकसा रहे हैं, और जब वो प्रतिक्रिया कोई दे रहे हैं तो कहाँ तक आपको क्षमा मांगना चाहिए, तो उसके उलट आप उनको आतंकी बताया जाना आपके द्वारा, यह अत्यंत निंदनीय है। कहीं ना कहीं राजनीति के गिरता हुआ स्तर है। आपको राजनीति करनी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, न कि धार्मिक विषयों पर अनर्गल टिप्पणी करना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने शब्द इस तरह के वापस लें, माफ़ी मांगें और दोबारा इस तरह की चीज़ें न बोलने का शपथ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। राम राम।